आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। आप सभी को सुप्रभात। ये नीचे देख जाइएगा, बच्चों को लेकर मैं भी जा रहा हूँ बस पे बैठाने के लिए। देखिए बंदरों को भगाने के लिए लोग डब्बा हुआ पीटते रहते हैं, कोई पटाखे छोड़ेंगे कोई कुछ, क्योंकि बंदर बहुत ही नुकसान करता है। सेब की फसल को खाएगा एक, गिराएगा 100, और झुंड में होता है ना पूरा एकदम नुकसान कर देगा। ये सेब का बाग, एक बार में कितने कितने बंदर आ जाते हैं, नुकसान करते रहते हैं। बिगुल भी बजा रहा है सीटी। उधर दूसरे बगीचा में और ऊपर स्प्रे कर रहा है, सबसे ऊपर देखो वहाँ स्प्रे कर रहा है। दबा के जैसे इसमें दिख रहा है, स्प्रे सब पे कर रहा है। और आज तो मौसम बिल्कुल साफ है, एकदम नीला आसमान है ना। आज धूप बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अच्छा व्यू लग रहा है दिखने में। और आज स्कूल लास्ट डे है, उसका मानसून ब्रेक हो जाएगा एक सप्ताह का ना, 8 दिन के। हाँ तो संडे भी काउंट आ जाएगा ना, इस संडे से अगला संडे, मंडे को शायद खुलेगी ना। तो बस आ ही गई, आज नेट 8:30 हो गया। ऊपरी देखिए ऊपरी रोड पे 1 से 2 मिनट के बीच में आ जाती है बस। जब हम लोग को 2 मिनट अगर पहले नहीं आते हैं तो 8:10 से 8:15 के बीच में भाग जाती है। कई दिन से आ रहे हैं 8:05 तक, ऐसे ही 8:30 के लगभग में आती है या उसके बाद। चलिए कोई बात ना, बच्चे को तो 9 बजे पहुंचना होता है, 9 से 9:30 के बीच में। बच्चे तो गए जी स्कूल, और आज मैं लग गई हूँ किचन के एकदम से डीप क्लीन की सफाई में, क्योंकि बहुत जाले निकाल भी देती हूँ ना, पर जंगली एरिया है ना तो तुरंत जाला हो जाता है। तो आज मैं सारा सामान किचन का हटा दी हूँ और लगा रही हूँ मैं, अब सारा जाला निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा जाला हो जाता है, इतना जंगली। इधर का बर्तन तो हटाए नहीं तो सारे बर्तन पे फिर गिरेगा, धोना पड़ेगा सारा। तो निकाल दी थी मैं सामान। और ये किचन के जाली वाली जो खिड़की है इसको मैं ऐसे करके, जो कि इसको 3-4 दिन पहले ही मैं पूरा साफ की थी, क्योंकि इतना गंदा इसमें जाला आके लग जाता है। और ये देखिए किचन की ऊपर से तो सफाई हो गई, और नीचे देखिए कितना गंदा फैल गया है। इसको मैं अभी पानी डाल डाल के पूरा सफाई करूँगी। और सामान सब तो सारा मैं किचन से निकाल दी थी, ये देखिए सारा सब कुछ निकाल दी थी मैं इधर सारा। पर इस वक्त को भी सफाई करना है, तो ये बोले जब तक उधर तुम किचन का करोगे तब तक मैं रूम का कर देता हूँ। तो ये इधर रूम में लगे हुए सफाई करने में, जाला निकालने में। इधर ये देखिए इधर रूम का ये कर रहे हैं, और तब तक मैं जा रही हूँ अब किचन की सफाई कर देने के लिए, क्योंकि दोनों आदमी फिर मिलके कर लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अभी किचन में ही मुझे लगना है कम से कम 1 घंटा, तो अब किचन में ही और लगेगा मुझे टाइम। उसके बाद फिर रूम में करूँगी सारा सफाई। तो इधर ये तब तक रूम का जाला निकाल दे रहे हैं। और एक बार तो मैं सर्फ वाले पानी से पूरा धो दी हूँ, साफ कर दी हूँ, गर्म पानी से इसको साफ कर दूंगी। बहुत ही गंदा होता है यहाँ पे, कहते हैं ना पहाड़ी इलाका में इतना गंदा नहीं होता, मुझे तो लगता है मैदानी इलाके से ज्यादा पहाड़ी इलाका में ही गंदा होता है, इतना धूल उठता है। किचन के और स्लैब तो मैं साफ कर लिया, बस ये डब्बे से कुछ थोड़ा पोछ पोछ के गर्म पानी से, और इसको जगह पे लगा लेती हूँ।
अभी मुझे पूरा साफ करना है, क्योंकि हो गया एक महीने हो गया इसको भी साफ किए हुए। और किचन का तो सारा हो गया, बस एक ये डब्बा के रह गया साफ करने के लिए, तो इसको मैं साफ कर देती हूँ। अब सब कुछ हो गया है, इसको देखिए मैं साफ कर लेती हूँ, जो कि इसको मैं दो तीन दिन पहले ही साफ की थी, उसके बावजूद भी ये गंदा हो गया है। और किचन साफ सुथरा रहता है ना तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता रहता है, तो मन लगता है काम करने में भी। तो चलिए, यहाँ रैक तो है नहीं, एक भी किचन में रैक नहीं है, इसलिए सामान वामान रखने में भी इतनी दिक्कत होती है। जो जरूरत का भी सामान है उसको भी मैं दीवार में रखती हूँ, जब जरूरत होती है तब फिर मैं निकालना पड़ता है। देखिए मैं पूरा इसको साफ करके इसको जगह पे लगा दी हूँ, और ये आज तो साफ कर दी हूँ, फिर ये दो दिन के बाद गंदा हो जाएगा। और हवा इतनी अच्छी खिड़की से आ रही है, तो चलिए और थोड़ा सा काम और किचन के रह गया है मेरा, उसको ख़त्म कर लूँ। और किचन को मैं पूरा साफ कर दी, और ये पाइप भी साफ जो करना था इसको मैं भी हाथ का हाथ कर ही देने को, फिर रह जाता तो फिर अलग से फिर मुझे पूरा किचन करना पड़ता। तो चलिए आज सिर्फ पोछा लगाने के लिए रह गया है, पोछा लगा देती हूँ। और किचन का तो मेरा सारा काम हो गया, मैं अब जा रही हूँ बस नहाने के लिए, पोछा उछा भी सब कुछ लग गया है। और दिखाती हूँ मैं अपना छोटा सा किचन आपको, और अब आप लोगों को मैं अपना किचन दिखाती हूँ सेट करने के बाद। ये देखिए सारा सेट हो चुका है, सामान सारा साफ करके मैं जगह पे लगा दी हूँ। इधर देखिए ये बर्तन स्टैंड पे सारा बर्तन धो धो के लगा दी हूँ, और इधर रख दी हूँ मैं किचन का कपड़ा गर्म पानी और सर्फ डाल के, थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ फूलने के लिए, तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं। और किचन तो मैं आप लोगों को दिखाई दी, मेरा सारा क्लीन हो चुका था, और इधर मैं थोड़ा सा अब चाय बनाई हूँ क्योंकि मन गया था थक, तो थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद अब थोड़ा सा घर का काम रह गया, बेड उड ठीक करना रह गया है, तो बेड चाय पीने के बाद बेड ठीक कर दूँगी। उसके बाद ये भी बोल रहे थोड़ी देर के बाद खाना खाऊँगा, और इधर खिड़की से बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, इनको भी दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ। ये स्टेन भी निकाली हूँ मैं आज, कपड़े स्टेन जिसको कहते हैं इसको, पर किचन का स्लैब थोड़ा छोटा है ना, तो इसलिए थोड़ा गैदरिंग ज़्यादा हो जाता है सामान रखने में। देखिए कहीं जगह नहीं है, बस थोड़ा इधर इंडक्शन है, फिर इधर ये है, क्योंकि ऊपर कहीं कुछ रैक है ही नहीं रखने के लिए, जो डब्बे उब्बे भी ऊपर आदमी रखे तो नीचे जगह बन जाएगा, कहीं कुछ है नहीं। और इधर आटा सुबह भुनी थी मैं, तो ये आटा रख दी हूँ, क्योंकि गर्म रोटी बना के खाते हैं हम लोग, तो जब ये खाएँगे तब मैं रोटी बना दूँगी। और मैं भी अब नहा के आ गई हूँ, पूजा भी हो गया मेरा, और जा रही हूँ अब मैं रोटी बना देने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया खाने का, तो रोटी बना देती हूँ। और यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं इंतज़ार में, तो इनको भी खाना दे देती हूँ, क्योंकि टाइम ये इनको भी भूख लग गई है, तो चलिए इनको भी खाना दे देती हूँ।